नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं एक नए मॉडल पेपर के बारे में, जो कि आरपीएससी के सेकंड ग्रेड की जो एसएसटी का पेपर है उसकी शिक्षण विधियों से संबंधित हैं। और इससे पहले भी हमने शिक्षण विधियों का एक मॉडल पेपर आपके सामने और रखा था और निश्चित रूप से आपको फ़ायदा हुआ होगा उसमें। देखिए, आपको इन वीडियोज़ को बार बार देखना है, एग्ज़ाम तक देखना है। कम से कम 70-80 क्वेश्चन मैं आपके शिक्षण विधियों से संबंधित आपके सामने पोस्ट करूंगा, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मान के चलिए कि इन्हीं क्वेश्चन के आसपास आपके जो लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, उसमें से 14-15 क्वेश्चन बिल्कुल इसके आसपास ही रहेंगे, या तो सीधे के सीधे क्वेश्चन आएंगे या इनसे मिलते जुलते इनसे संबंधित होते हुए क्वेश्चन आएंगे। और देखिए, मैं जो यहाँ जो भी विधियाँ आपको बताता हूँ, इस तरीके से आपको पढ़ना है, आप उनको फॉलो करें। और उनको फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा। अब ये आप पर डिपेंड है कि आप किस चीज़ को कितना फॉलो करते हैं। सबसे पहले आपको नोटबुक निकालिए और मेरे साथ ही जो जो मैं क्वेश्चन पहले इनके क्वेश्चन और ऑप्शन बोलूँगा और दोबारा लास्ट में शुरू से इनके आंसर आपको बताता जाऊँगा। इसके साथ ही जो क्वेश्चन आपको आता है उसके मार्क कीजिए, जो नहीं आता वो लास्ट में आपको आंसर सबके देखने हैं। उसके बाद क्या करना है, यहीं पर देख करके और इस वीडियो को स्टॉप नहीं करना है कि एक वीडियो देख लिया और आपका काम ख़त्म हो गया। नहीं, इस वीडियो से आपका काम शुरू हुआ है। अब इन क्वेश्चन को आपको ये जो लाइनें हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन की कोई भी लाइन है कि शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ योजना कहते हैं, ये परिभाषा किसने दी है। अब आपको अपनी नोटबुक के अंदर जो भी डेफिनेशन, जो भी परिभाषाएं हैं, उनमें आपको इस लाइन को ढूंढना है कि ये लाइन कहां से आई होगी। इस लाइन को देखने के बहाने आप कम से कम 5, 7, 10, 15, 20 चीज़ इसके आसपास की ओर देखेंगे। और उसके बाद जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, आपके लिए ये एग्ज़ाम इतना आसान होगा जितना शायद पहले कोई एग्ज़ाम आपका नहीं हुआ होगा। तो मैं जो यहाँ जो भी चीज़ें आपको बताता हूँ, आप उनको फॉलो ज़रूर करें अगर आप वास्तव में रिजल्ट चाहते हैं तो। और तो हम बात करते हैं। देखिए, इसके साथ ही अगर आपने चैनल अब तक, जो भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं जो कि इसको ज्वाइन कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वो हर वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होता है रेड कलर में, उसको आपको क्लिक करना है ताकि जो भी नए वीडियो हम अपलोड करें उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सुमेलित करो का क्वेश्चन है। और देखिए, एग्ज़ाम में जो आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 में से कम 25-30 क्वेश्चन आप मान के चलिए टोटल सभी सब्जेक्ट में से मिला करके ये सुमेलित करने वाले आएंगे। तो देखिए, वो यहाँ एक क्वेश्चन नहीं पूछता है सुमेलित में, वो 4-4 क्वेश्चन आपसे सुमेलित में पूछता है कि ये 4 चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इनकी प्रैक्टिस आप निश्चित रूप से करें। सुमेलित करो में पहले क्वेश्चन में ए ऑप्शन में है डाइडेक्टिक, बी ऑप्शन में है एजुकेशन ऑफ मैन, सी में है फाउंडेशन ऑफ मेथड्स और डी में है ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग। इसके सामने मैंने ऑप्शन लिखे हैं, ए के सामने है एडगर डेल, बी के सामने 2 नंबर पर लिखा है किलपैट्रिक, सी में लिखा है फ्रोबेल और डी में 4 नंबर पर लिखा है गणितीय विकार। आपको आपस में इनको मिलान करना है और वो नीचे ऑप्शन बना करके नहीं दिए मैंने, क्योंकि वो ज़्यादा जगह घेरता है यहाँ। और मैं आपको पहले समझा चुका हूँ ये क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं आपको, तो इसमें मिलान करिए आप कौन किससे मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करो का दूसरा क्वेश्चन है मुफात, बी ऑप्शन में है बाइनिंग एंड बाइनिंग, सी ऑप्शन में है वेस्ले और डी ऑप्शन में है रूसो। मुफात, बाइनिंग एंड बाइनिंग, वेस्ले और रूसो। मुफात के सामने मैंने 1 नंबर पे लिखा है सोशल स्टडीज़ इंस्ट्रक्शन, 2 नंबर पे लिखा है टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ एसएसटी, सी में 3rd में लिखा है रूमिल और डी में 4th में लिखा है टीचिंग द सोशल स्टडी इन सेकेंडरी स्कूल। ये 4 ऑप्शन हो गए हैं। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों में शामिल नहीं है, पहला है ग्रहण करना, बी है नियंत्रण, सी है अनुमूल्यन करना और डी है व्यवस्था।
फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्रियात्मक पक्ष में शामिल है, ए में है उद्दीपन, बी में है कार्य करना, सी में है समायोजन करना और डी में है सभी। तो देखिए इनमें से आंसर कौन सा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षण कार्यों, शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ योजना कहते हैं। यह डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? डेविज, बोसिंग, हर्बर्ट और एनसीईआरटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई योजना का आधार है, ए प्रयोजनवाद, बी मेस्टाल्टवाद, सी व्यवहारवाद और डी संरचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रीय पाठ योजना का प्रतिपादन किसने किया? चक्रीय पाठ योजना का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ब्लूम, हर्बर्ट, मॉरिसन और किलपैट्रिक। उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षण प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय किसने माना? जॉन एडम्स, जॉन डीवी, हर्बर्ट और मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीथ हेचिसन 1961 का संबंध किससे है? शिक्षण कौशल से, पाठ योजना से, सूक्ष्म शिक्षण से और शैक्षिक तकनीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोइसी तथा व्हील ने अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग के शिक्षण प्रतिमानों को कितने भागों में बांटा? 2, 3, 4, 5। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस पुस्तक के अंदर जोइसी तथा व्हील ने शिक्षण प्रतिमानों को कितने भागों में बांटा है इस बुक में, मॉडल्स ऑफ टीचिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का जो सही युग्म क्या है? 47-48, 52-53, 64-66 और 1986-92। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ योजना के किस उपागम का केंद्र बिंदु शिक्षार्थी है? हर्बर्ट उपागम, मॉरिसन उपागम, ब्रिटिश उपागम और मूल्यांकन उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन को मानवीय संबंधों का अध्ययन कहा है? मुफात ने, यूएस राष्ट्र परिषद, माइकेलिस और जेरी लेमिक व वेस्ले। सामाजिक अध्ययन को मानवीय संबंधों का अध्ययन कहा है? मुफात ने, यूएस राष्ट्र परिषद, माइकोकेलिस और जेरी लेमिक व वेस्ले। किस विधि में छात्र एक समूह में अपनी पसंद का बालक चुनते हैं? किस विधि में छात्र एक समूह में अपनी पसंद का बालक चुनते हैं? चेकलिस्ट, रेटिंग स्केट, समाजमिति और संचित अभिलेख। तो ये ऑप्शन हो गए हैं आपके, 14 क्वेश्चन हैं और अब मैं इनके आंसर बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एक बार यहीं स्टॉप कर दीजिए, पॉज कर दीजिए और सारे क्वेश्चन दोबारा देखें जो आपने किए हैं कि किसका आंसर क्या होगा। और अब मैं बताने वाला हूँ इनके आंसर के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है ये सुमेलित करो का, तो इसका आंसर होगा पहला, डाइडेक्टिक का आंसर है एडगर डेल। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन ऑफ मेन, इसका हो जाएगा फ्रोबेल। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा ऑप्शन जो है फाउंडेशन ऑफ मेथड्स का है किलपैट्रिक। और फिफ्थ में जो फोर्थ है, फोर्थ का सेम है, ये इससे मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पहले का सेम है, सामने वाला ही होगा इसका। दूसरा जो क्वेश्चन है, इसका जो दूसरा ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा बी का फोर्थ, ये राइट आंसर होगा इसका। सी, सी का जो इसे आंसर है वो है दूसरा, वेस्ले का टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ एसएसटी। और डी जो रूसो है, इसका है थर्ड, रूमिल। उसके बाद हम बात करते हैं भावनात्मक पक्ष के उद्देश्यों में शामिल क्या नहीं है? बी नियंत्रण। क्रियात्मक पक्ष में शामिल है उद्दीपन, कार्य करना, समायोजन करना और सभी। इसका राइट आंसर होगा सभी, सभी हैं इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं कि शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ योजना कहते हैं, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? बोसिंग के द्वारा। इकाई योजना का आधार है, इसका आंसर होगा मेस्टाल्टवाद, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। उसके बाद है चक्रीय पाठ योजना का जो प्रतिपादक है वो किसको माना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मॉरिसन। चक्रीय पाठ योजना का प्रतिपादन किसने किया? मॉरिसन के द्वारा। शिक्षण प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय किसने माना है?
तो इसका राइट आंसर है जॉन एडम्स। उसके बाद है कीथ एचिसन का संबंध किससे है? सूक्ष्म शिक्षण से। जोइसी तथा व्हील ने अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग में शिक्षण प्रतिमानों को कितने भागों में डिवाइड किया है? चार भागों में। चार इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन व रिपोर्ट प्रस्तुत करने का सही युगम क्या है? 1964 में इसका गठन हुआ और 66 में इसने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। पाठ योजना के किस उपागम का केंद्र बिंदु शिक्षार्थी है? राइट आंसर इज मॉरिसन उपागम, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है सामाजिक अध्ययन को मानवीय संबंधों का अध्ययन, यह किसने कहा है? यह जो डेफिनेशन है यह किसके द्वारा दी गई है? यह है जेरी लेमिक व वेस्ले, डी इसका राइट आंसर है। किस विधि में छात्र एक समूह में अपनी पसंद का बालक चुनते हैं? इसका राइट आंसर होगा समाज मिति। तो ये 14 क्वेश्चन हैं और आपके कितने आंसर इसमें सही होते हैं वो आपको लिखने हैं, आपके वीडियो आपके नीचे लिखना है आपको। और इसके बाद में टीचिंग मेथड से संबंधित कम से कम अभी 45-50 क्वेश्चन के आसपास मैं आपके सामने क्वेश्चन और रखूँगा, जो कि आपके पूरे सिलेबस को SST का जो सेकंड ग्रेड का शिक्षण विधियों का जो सिलेबस है पूरे सिलेबस को कवर करते हुए ये क्वेश्चन चलेंगे। तो आपको इनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, जिस तरीके से मैं बताता हूँ उस तरीके से आपको स्टडी करनी है। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।